23 जून को बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी विरोधी विपक्षी पार्टियों की महाबैठक होनी है। इस बैठक में कांग्रेस और टीएमसी समेत कई अन्य दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का बिगुल फूकेंगे। लेकिन इस बैठक से पहले कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में एक दूसरे के सामने आ गई। ऐसे में सवाल उठने लगा है, क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच 2024 को लेकर आपसी सहमति बन पाएगी या नहीं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों कांग्रेस बंगाल में टीएमसी का विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में हिंसा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ बैनर पोस्टरों के साथ प्रदर्शन किया। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। कांग्रेस सांसद मंगलवार को मुर्शिदाबाद बीडीओ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे रहे। बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश का पालन न करने को लेकर राज्य चुनाव आयोग समेत ममता सरकार को फटकार भी लगाई है। कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले में बीजेपी का समर्थन करते हुए टीएमसी का विरोध किया है। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, अगर ऐसा हाल रहा तो फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस टीएमसी से समर्थन की उम्मीद ना करे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को साफ कर दिया है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन चाहती है तो उसे बंगाल में टीएमसी का समर्थन करना होगा, माकपा का नहीं। ममता बनर्जी ने इससे पहले भी विपक्षी एकता के लिए फॉर्मूला दिया था, जो पार्टी जिस राज्य में शक्तिशाली है वहां वो बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करे। इस फॉर्मूले के अनुसार भी ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, साथ ही वो चाहती हैं कि कांग्रेस उसका समर्थन करे। ऐसे में अगर कांग्रेस टीएमसी के साथ समझौता करती है तो उसे बंगाल में अपने हित को नजरअंदाज करना होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को ममता बनर्जी हजम नहीं कर पाई थी। उन्होंने जीत पर खुशी का इजहार तो किया था, लेकिन अपने संदेश में ना तो राहुल गांधी का और ना ही कांग्रेस का नाम लिया था। उन्होंने इसका पूरा श्रेय बीजेपी की गलत नीतियों और कर्नाटक की जनता को दिया था। पर हाल ही में ममता बनर्जी के बयान से कांग्रेस के प्रति नरमी के संकेत मिले थे, लेकिन फिर बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने है। इसका असर राष्ट्रीय राजनीति और विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पर पड़ सकता है।